सॉल्व करते हैं हम इसके जो चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज हमारी है 3.1, उसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम ऐसे ही इसे सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एंड देन उसके बाद क्या करना है हमें ये फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट है अगर कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर अगर हमें इसका क्या करना है इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, इसको सॉल्व करना है जब अगर हमें पता चल जाएगा ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकेंड है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, ऑर्डर सही करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाली हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 2y, एंड इसको इस साइड लेंगे तो ये जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाले को कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, इससे हम कंपेयर करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे a1 फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, यहाँ से हो जाएगा 1, a1 इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 होता है। सेम b1 इज इक्वल टू इसके आगे भी 1 ही है, ठीक है, इसके जहाँ पे कुछ नहीं होता उसको 1 मानते हैं, एंड c1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये है यहाँ पे -5, तो ये हो जाएगा -5। सिमिलरली हम क्या करेंगे a2 के लिए करेंगे, यहाँ से सेकेंड वाली इक्वेशन से, तो a2 है यहाँ पे 2, b2 है हमारा यहाँ पे भी 2, एंड c2 है हमारा यहाँ पे -10। अब हम क्या करेंगे इसके कंपेयर करते हैं, हमारी जो इक्वेशन होती है, हमारी इक्वेशन इसको चाहे ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इस वाले रेशियो में, तो इस वाले रेशियो में इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये भी हमारा 1/2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 या -5/-10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये भी 1/2 और ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये 5 दोनों के पास ये भी 1/2 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो हम बोल सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये सारे क्या हैं हम बोल सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों क्या हैं इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये तीनों क्या हैं इक्वल है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी है सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन से क्या होता है, इसका क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी ये क्या है कंसिस्टेंट है, ये क्या है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये क्या कर रही है लाइनें, जब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या करेंगे लाइन आपस में क्या करेगी टच करेंगी एक दूसरे को। बट इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी सारी इक्वेशन ये क्या होती है, ये जो हमारा रेशियो अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब हम इसे ग्राफिकली कंसिस्टेंट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं इस तरीके से, और इसके हम क्या निकालेंगे दो पॉइंट निकालेंगे एक्स एंड वाई को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं 0, तो इस कंडीशन के लिए हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे y हमारा 5 आ गया। नाउ हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास इसकी दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ये हमने एक ग्राफ बनाया, आप इसको ग्राफ पेपर होता है जो उस पर ट्राई करेंगे ताकि इसमें एक्यूरेट हमारा सॉल्यूशन आए, और इसमें हमारा मैक्सिमम नंबर 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे 5 तक डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और सिमिलरली इस साइड में भी 1, 2, 3, 4 एंड 5,
अब हमारे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 5 है इसलिए हमने 5 तक डिवाइड किया, इसको बोलते हैं एक्स 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 डैक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई वाई डैस एक्सिस यानी अक्षांश बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा 0.5, क्योंकि हम जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं एक्स कामा वाई। अभी भी जब हम पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट लेते हैं एक्स कामा वाई की फॉर्म में, तो एक्स कामा वाई हमारे यहाँ पे 0.5 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे ये एक्स है 5.0 ये वाई है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0.5, तो 0 हमेशा फर्स्ट वाले जो x होता है उसको हम x एक्सिस पे ही लेते हैं और जो हमारा y की वैल्यू होते हैं उसे हम y वैल्यू y वाले क्या करते हैं लाइन पे ही लेते हैं। तो x हो गया हमारा 0 और y है हमारे पास 5, तो ये हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। नाउ इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है 5, तो ये हमारा x पे है, तो ये हमारा 5 x एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे और 0 है, तो यानी ये ऊपर को नहीं जाएगा यहीं पे रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये इससे हम इसको क्या कर देते हैं मिला देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी हमारी यहाँ पे इक्वेशन है 2x + 2y = 10, ये भी गिवन है, फिर इसका भी हम क्या करते हैं सिमिलरली इसके लिए भी बॉक्स बना देंगे और x कमा वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, तो ये हो जाएगा 2 × 0 एंड +2y = 10। नाउ ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, तो 2y = 10 एंड y = 10/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारी नेक्स्ट 5 आ गई है। सेम हम यहाँ पे y = 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन के लिए 2x + 2 × 0 = 10 और इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 10, x = हो जाएगा हमारा 10/2 और इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 5 2 5 10, तो ये आ गया x की वैल्यू भी 5। तो हमारे सेम वही पॉइंट आए हैं जो हमारे पहले पॉइंट आए थे, तो हमारे सेम अगर हम फिर से पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट हो जाएंगे हमारा 0.5 और दूसरे हमारे 5.0 जैसे हमने फर्स्ट के निकाले थे, और इनको भी अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये भी क्या होगा इसी के ऊपर एक लाइन आएगी, यहीं पे सेम पॉइंट है तो सेम जगह पे आएंगे और फिर से सेम लाइन आएगी, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसका सोल्यूशन क्या होगा इसको हम करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं टच कर रही है एक दूसरे के ऊपर टच कर रही है, तो इसका क्या है इनफाइनाइट सोल्यूशन है और इसको हम क्या बोल सकते हैं। अब ये पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट है, तो ये यहाँ पे क्या है ग्राफिकली हम इसे शोर कर सकते हैं, ये दिखा दिया हमने कि ये क्या है कंसिस्टेंट है, इसका जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है कंसिस्टेंट है। तो हम इसका करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हमें इससे फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन का ऑर्डर तो सही है, तो हम इसको लिख देते हैं 2x + y - 6 = 0 एंड ये हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड इस सेकेंड को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y + c2 = 0 से। तो हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिखेंगे, तो a1 है हमारे पास यहाँ पे 2, b1 हो गया नहीं है यहाँ पे 1, b1 है हमारे पास यहाँ पे 1 एंड ये c1 है हमारे पास यहाँ पे -6। सेकेंड a2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4, b2 हो जाएगा यहाँ से ये -2 एंड c2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये -4, अगेन -4 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम इसको रेशियो निकालते हैं, तो हम रेशियो क्या होता है हमारा a1/a2 b1/b2 and c1/c2। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a1/a2 है हमारे पास 2 अपॉन ये है 4, नाउ b1/b2 है यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे -2 एंड c1/c2 है यहाँ पे -6 अपॉन -4। तो ये वैल्यूज रख दिए। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 है और इसको हम लिख सकते हैं 3/2, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला आ गया हमारा 1/2 और ये भी हमारे पास है -1/2 और ये आ गया हमारे पास -3/2। तो ये हम बोल सकते हैं
हमारा कौन सा कंडीशन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। इसके लिए क्या होता है, हमारा जो कंडीशन होती है वो फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होता है, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन है मतलब, ठीक है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन का यानी कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट को अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो हमने एक ग्राफ बना देते हैं इसके लिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इक्वेशन है, तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो हम फर्स्ट को करते हैं पहले। तो इसके लिए हमने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, और इसके हम टू वैल्यूज निकालेंगे x और y की। तो फर्स्ट हमने माना, लेट किया, x इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। तो इस इक्वेशन के लिए हमने ज़ीरो पुट किया, तो ये हो जाएगा टू इंटू ज़ीरो प्लस वाई, एंड ये माइनस सिक्स है तो इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स, इस साइड आ गया। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सिक्स, ये आ गया हमारा सिक्स। नाउ हम y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर इसी इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे ज़ीरो रख देंगे, तो ये वाला टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2x, ठीक है, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस सिक्स है, इसको इससे ले जाएगा सिक्स, और इसको हम टू से डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिक्स बाई टू होती है के छः, तो ये जाएगा थ्री। तो फर्स्ट जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं फर्स्ट एक्सिस पे, ये आ जाएंगे, ये हमारा वाई 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 डैश एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो ये हमारा एक्स वाई है हमारा ज़ीरो सिक्स, और ये एक्स वाई दूसरा है हमारा थ्री ज़ीरो। तो हमें मैक्सिमम सिक्स पॉइंट तक इसे डिवाइड करना है, तो इसे हम सिक्स तक करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और सिमिलरली ऊपर को भी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो इसमें सबसे पहले ज़ीरो कामा सिक्स, तो ज़ीरो एक्स पे आता है सबसे पहले, उसके बाद सिक्स, तो यहाँ पे आएगा हमारा ज़ीरो कामा सिक्स इस पॉइंट पे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे छः छठवें पे। सेकेंड पॉइंट है थ्री कामा ज़ीरो, तो वन टू थ्री, सबसे पहले एक्स पे थ्री, और ज़ीरो यानी ये यहीं पर रहेगा, ये रहेगा हमारा थ्री कामा ज़ीरो। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के क्या करेंगे, एक लाइन मार देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड इक्वेशन है ये, इसके लिए भी हम सेम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो फोर इंटू ज़ीरो माइनस टू वाई इज इक्वल टू, इस माइनस फोर को हम इस साइड ले जाएंगे, तो जाएगा प्लस फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर वाई माइनस टू, दो दुना के चार, तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ये इसके साथ, ठीक है, तो ये माइनस में इस साइड आ गया, तो ये माइनस टू था। अब हम वाई इज इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे इसी इक्वेशन के लिए, हम क्या करेंगे, इस वाई की जगह यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा फोर एक्स एंड माइनस फोर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा फोर एक्स एंड इज इक्वल टू, इस माइनस फोर को इस साइड ले जाएंगे, तो ये जाएगा प्लस फोर, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई फोर वाई फोर, ठीक है, x इज इक्वल टू, तो ये फोर से फोर कट गया, तो यहाँ पे वन बच गया, तो ये आ गया वन। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ गए हमारे पास x कामा वाई यानी जीरो कामा माइनस टू एंड वन कामा ज़ीरो। अब हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए हैं, तो हमारे दूसरा जो पॉइंट है वो माइनस में है, तो माइनस में हमेशा इस साइड और इस साइड वाले ही होते हैं। तो हमें देखना है ये x है और ये y है, तो y वाला टर्म कौन सा है, तो हमें इसमें लेंगे एक दो, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये दो, और ये प्लस में है, तो हमारे ये इसी में रहेगा, इस वाले में, क्योंकि हमारे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट्स में क्या आता है, प्लस वाले आते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उसको हम प्लॉट करते हैं अगर हम इस ग्राफ में, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो यहीं पर रहेगा, और माइनस टू ये वाई पे चलते हैं, सेकेंड हमारा वाई पे चलता है, तो एक दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो कामा माइनस टू, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है हमारे पास वन कामा ज़ीरो, तो ये हो गया एक्स पे चलता है वन एंड ज़ीरो, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। तो अगर हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे, तो इसका ये पॉइंट यहाँ क्रॉस कर रहा है इन दोनों को, ठीक है,
यहाँ पे क्रॉस करा, तो यहाँ पे हमारा आ रहा वन, और यहाँ पे क्या आ रहा हमारा ये वाला, ये आ रहा टू, और ये है हमारा एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे आ रहा टू और यहाँ पे आ रहा वन, तो इसका सोल्यूशन क्या है, टू कामा वन, इसका सोल्यूशन है, ठीक है।